नमस्कार, जयराम जी के, हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड पर। कल से अनलॉक, एक दिना के अंतराल से खुले दुकानें, रविवार खास जनता कर्फ्यू। जी हां, बात करें छतरपुर की। छतरपुर जिला के कोविड प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार का आपदा प्रबंधन समिति की वर्चुअल बैठक ली है। इस बैठक में कोरोना कर्फ्यू से 1 जून से दी जाने वाली छूट के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से वर्चुअली समीक्षा करी है और बैठक में 1 जून से बाजार का एक दिना के अंतराल से खोलने को फैसला लगा। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विधायक का फंसाने वाले गैंग को एक आरोपी राजस्थान से पकड़ो, अश्लील वीडियो बना के लोगन का करत तो ब्लैकमेल। बात कर रहे छतरपुर जिला के, महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित का वीडियो कॉल के माध्यम से ब्लैकमेलिंग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करत है। आरोपी का राजस्थान से गिरफ्तार करो है। जो आरोपी पिछले दिनांक देश के विभिन्न राज्यों के 21 लोगों के संग ब्लैकमेलिंग कर चुको है और 14,22,000 की वसूली कर चुको है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का जिला न्यायालय में पेश करो, जहां से उनका जेल भेजा गया है। और विधायक नीरज दीक्षित ने 21 मई का गढ़ी बलेरा थाने में शिकायती आवेदन देते हुए बताओ कि एक महिला ने सोशल मीडिया पे कई बार मैसेज करे, वीडियो कॉल करी और वीडियो कॉल के दौरान अश्लील वीडियो शेयर करी है। अच्छी खबर, हरपालपुर वासियों का 2023 से मिल है 24 घंटा पानी। हरपालपुर नगर में गर्मियों के मौसम में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण लोगों का जल संकट को सामना करना पड़ा थे और यही समस्या के स्थायी निदान के लाने 29.43 करोड़ की लागत से धसान जल आवर्धन योजना स्वीकृत भई थी। योजना को कार्य तेजी से चल रहा है और नगर वासियों का योजना से जून जुलाई 2023 तक 24 घंटा पानी मिले। योजना को जिम्मा संभाले मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन के प्रोजेक्ट इंजीनियर अरविंद परमार ने बताओ कि 28 मई माह में योजना का पूर्ण कर लो जाए। हरपालपुर वासियों का जून जुलाई 2023 तक 24 घंटा पानी मिलने लगे। आपदा प्रबंधन की बैठक, सब मिलकर जिम्मेदारी निभाए, गाँव में लोगों का वैक्सीनेशन कराने का जागरूक एसडीएम करे। नगर परिषद के सभा कक्ष में रविवार सवेरे करीब 11 बजे आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करी गई, जी में क्षेत्रीय विधायक सहित सभी विभागों के अधिकारी शामिल रहे। बैठक के दौरान बताओ गो कि जून महीना की 1 तारीख से अनलॉक पे विचार चल रहा है और इकेला ने आवश्यक है कि हम सभी जने मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाए। क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कही है कि हमारे दोस्त हमारी जिम्मेदारी के आधार पर, व्यापारी अपनी जिम्मेदारी प्राथमिकता से निभाए और एसडीएम विकास कुमार आनंद ने कही है कि सभी लोग पूर्ण जिम्मेदारी से नगर और क्षेत्र के लोगों का वैक्सीन लगवाने के लाने जागरूक करें, जिससे हमें जानलेवा बीमारी कोरोना से निजात मिल सके। कोरोना संक्रमण गाँव में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चला ब्रेक द चैन अभियान। बात करें छतरपुर की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत के कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना संक्रमण रोकवे जिला के गांव और बस्तियों में पहुंच के ब्रेक दी चैन अभियान चलाओ जा रहा हूं। इसके अंतर्गत लोगन को ऑक्सीजन लेवल चेक करत भय स्क्रीनिंग के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण करो जा रहा हूं और इसके संगे वैक्सीनेशन कराने भी लोगन का जागरूक करो जा रहा हूं। सेवा की तस्वीर, कोरोना कर्फ्यू में 3,000 लोगों तक पहुंचाई राशन किट। बात करें टीकमगढ़ जिला की, कोरोना कर्फ्यू के चलत पिछले 15 दिनों में टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी अब तक 3,000 से अधिक जरूरतमंदन का राशन किट उपलब्ध करवा चुके हैं। उन्हें बताया है कि टीकमगढ़ शहरी क्षेत्र के संगे संगे ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार वाहनों से जरूरतमंद लोगों तक राशन की किट उपलब्ध कराई जा रही है। नियमन को उल्लंघन पे हुई है कार्रवाई, कंटेनमेंट जोन में लगे सीसीटीवी कैमरा, कंट्रोल रूम से हुई है मॉनिटरिंग। जी हां, बात करें सागर जिला की, कलेक्टर दीपक सिंह ने शहर के मधुकर साह वार्ड में बने कंटेनमेंट जोन के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा के क्षेत्र की मॉनिटरिंग करावे के निर्देश एक दिन पहले ही दिए थे। रविवार खान निगम आयुक्त आरपी अग्रवाल ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं, जिनको नियंत्रण पुलिस कंट्रोल रूम से करो जाए। राजघाट लाइन, नई लाइन बिछवे पे ही बंद करी जाए सप्लाई। बात करें सागर जिला की, मोती नगर चौराहे से शीतला माता मंदिर तक डाली जा रही है पाइपलाइन का मुख्य लाइन से जोड़ने को काम रविवार का भी जारी रहो है। पानी की लाइन के चालू रहने के संगे पुरानी लाइन निकालने के लाने खुदाई करी जा रही है और हालांकि शाम को भारी बारिश के कारण काम भी प्रभावित होगा। मृत्यु की स्मृति में दए 2000 डेक्सोना इंजेक्शन। रविवार का स्वर्गीय दीपक सोनी की स्मृति में उनकी मृत मंडली ने 2000 डेक्सोना इंजेक्शन और मास्क जिला अस्पताल के डॉक्टर सचिन मलिया, डॉक्टर विक्रांत राजपूत का दान करे हैं। बात करें दमोह जिला की, रविवार का स्वर्गीय दीपक सोनी की स्मृति में उनकी मित्र मंडली ने 2000 डेक्सोना इंजेक्शन और मास्क जिला अस्पताल के डॉक्टर सचिन मलिया और डॉक्टर विक्रांत राजपूत का दान करे हैं।
इंजेक्शन की उपलब्धता डॉक्टर अमित जैन और तरुण जैन के सहयोग से भाई मनीष तिवारी ने बताओ कि उनके मित्र स्वर्गीय दीपक सोनी की मृत्यु कोरोना और ब्लैक फंगस की जद से आबी से भाई। किल कोरोना अभियान, बाजार खुलबे पे अनावश्यक भीड़ को हिस्सा ना बने, अभियान सर्वे टीम की बैठक को आयोजन हजारी मोहल्ला में करोगे। बात करें दतिया बांडेर की तो नगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में किल कोरोना अभियान की सर्वे टीम की बैठक को आयोजन हजारी मोहल्ला में करोगे है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हुमेरा सिद्दीकी ने कही है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से बाजार खोले, बाजार में अनावश्यक रूप से भीड़ को हिस्सा ना बने, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और मास्क और सोशल डिस्टेंस को पालन करत रहे। कोरोना की गाइडलाइन को सभी जने अच्छे से पालन करें ताकि कोरोना जैसी महामारी का हराव जा सके। ऐसी कुछ खास और फटाफट खबरें के लिए बुंदेलखंड पर भी शिवांगी तिवारी के साथ लगातार बने रहे। जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।